सनातन धर्म की भक्ति को हमारे जीवन में सदा बना के रखना। आपको निवेदन भी करूँगा, आप कथाओं में आते हो, बड़ी भक्ति से बैठते हो, आपके घर में बच्चों के वेश बिगड़ रहे हैं, आपके घर में आप तो पहुंच जाते हो कथाओं में, श्रद्धा से बैठते हो, बच्चे आजकल बिंदी नहीं लगाते, चूड़ी नहीं पहनती, बालें ऐसे खुली रखती है, मेरे को लगता है कि सूर्पणखा को अभी जाके कहीं अलग देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइप टाइप के सूर्पणखा यानी क्या भाई नरेंद्र? सूप जैसे नख रखने वाली। सूर्पणखा का अर्थ आपको मालूम नहीं होगा, सूपड़ी जैसा, वो बड़ा सूपड़ा होता है ना जिसमें से धान फटकते थे, इतने बड़े होते थे उसके नख, सूर्पणखा, सूर्पणखा नहीं, सूर्पणखा, सूर्प जैसे नख वाली सूर्पणखा। आजकल बड़े बड़े रेडीमेड नाइल्स मिलते हैं, वो लाके इतनी बड़ी बड़ी लगा के घूमती है, मैं मन में सोचता हूँ आ गई सूर्पणखा, देखो पहुंच गई है सूर्पणखा। अपने बच्चों के वेश पर ध्यान दो, फटे हुए जींस पैंट में कुछ नहीं पड़े हैं। एक बात तो गुरुदेव, आज तक हम सबको भी पता नहीं था कि नाखून बढ़ाने का जो शौक है वो सूर्पणखा तक हमको बना सकता है। इसमें से भी कितने लोग होंगे आज गुरुदेव की वाणी को प्राप्त करके अब नाखून नहीं बढ़ाएंगे। हम ये दोनों हाथों से दो काम करते हैं जी भगवान, वो क्या काम बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन हम भारत में हैं, अगर विदेश में होते तो टिश्यू पेपर से पूछते। अभी भारत में होने से हम आज भी पानी का उपयोग करते हैं अधिकतर, कोई यहाँ भी विदेशी टाइप के हो गए तो शायद टिश्यू पेपर के उपयोग करते होंगे। मैं मन में सोचता हूँ कि ये इतना बड़ा नख लगा के घूम रहे हैं, खाते होंगे तो भी आधा खाना घुसता होगा, धोते होंगे तो भी आधा घुसता होगा उसमें। जी भगवान, आप ही सोचो जी, दुनिया इनके हाथ साफ कैसे हो सकता है। हाँ, शरीर में बाल बड़ा हो तो पुण्य है। क्या है? जितना बड़ा बाल सामुद्री का लक्षण कहता है उतना पुण्य है। स्त्री का बाल अगर किसी भी स्त्री का घुटने तक आ गया है तो लक्ष्मी लोक से आई हुई है, हमारा देवी भागवत कहता। जय जय गुरुदेव। लक्ष्मी की पार्षद थी, और किसी श्राप से धरती में आती है तो उसके घुटने तक बाल होते हैं, और किसी के नख बड़े हैं तो समझना राक्षस लोक से आई हुई है। उसी को जैसी बुद्धि होगी वैसे भाई, सोनार को आप हजार लोवा बताओ, वो सोनार लोवे को हाथ लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। किसको हाथ लगाएगा? सोने को। वो जो हीरा बेचता है वो अगर गली में कहा ये पत्थर दिखाओगे तो लेगा क्या? क्या लेगा? हीरा ही लेगा। तो जिसकी जो संस्कार है वो वही पकड़ेगा। तो ये भूतनियों जैसे कोई भी घूम रही है तो समझना भूत लोक से ही आई हुई है, इसलिए भूतनिया। अपने बच्चों को अच्छा वेशभूषा दीजिए। क्या दीजिए? अच्छी वेशभूषा। आप खाली बढ़िया आ जाओ तो आप भी गड़बड़िए हो, आप भी कम नहीं हो। मैं हर कथा में ये बोलता हूँ कि कथा में जो वेश रखते हो आप लोग, कुल्लू मनाली जाओ तो यही वेश रखो, तब भारतीय संस्कार टिकेगा। हमारी कथाओं में पल्ला लगा के आ जाओ ना, उधर टी शर्ट जींस पैंट पहन के आई एम विथ हस्बैंड इन कुल्लू मनाली करके फेसबुक में डालोगे और 400 लोग लाइक करेंगे तो 400 लोग लाइक करे वो सती नहीं हो सकती। 400 लोग आप ये फेसबुकों में जाओ ही मत, आपको जरूरत नहीं पड़ोसी लाइक करें, आपका पति आपको अधिक से अधिक लाइक करें, इसके लिए भरपूर कोशिश करो, आप सती बन जाओ। फेसबुक का ही लिया आपको, आपको वो सब की जरूरत नहीं है। ये तो दुनियादारी की देखा देखी करो मत, हमारा घर खुश रहे। देखो हर व्यक्ति के पास फेसबुक के फ्रेंड्स है, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स है, लेकिन ये बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो है सब ऑनलाइन वाले हैं, असली वाले एक भी नहीं आज के तक। सत्य वचन कर दो, एक असली वाला आदमी नहीं हमको कोई पूछने वाला। परिवार को खुश रखो, परिवार के लिए समय दो, मोबाइल को समय दोगे पड़ोसी खुश होगा, दुख के समय वो काम आने वाला नहीं है। जिस परिवार में आपका काम पड़ रहा है, महिलाओं पूरी समय उस परिवार को दो। बच्चा होनहार हो गया तो पुनः महाराष्ट्र के लिए एक शिवाजी जन्म ले सकता है। सत्य वचन।